Hello guys and welcome back to my YouTube channel, and in today's review video I am going to review the acrylic paints from Montmartre. और ये वाला सेट जो है मेरे पास 36 शेड्स वाला सेट है और ये मैंने पिछले साल खरीदा था. एंड आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल टू रिव्यू द एक्रिलिक पेंट्स. और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये सेट वर्थ है अपने कॉस्ट के लिए, बिकॉज आप काफी सारे लोग एक्रिलिक पेंटिंग करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि हमको कौन सा एक्रिलिक पेंट यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या ये बिगिनर लेवल है या प्रोफेशनल ग्रेड है या कौन सी कैटेगरी में आता है. तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करूंगा. इस वीडियो में आप इन पेंट के स्वॉचेस भी देखेंगे और आपको पता चलेगा कि ये कितने वाइब्रेंट और ओपेक है और ये मेरे वन ऑफ दी फेवरेट एक्रिलिक्स क्यों हैं. और मैं आपको बताऊंगा इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, इनकी ब्लेंडिंग एबिलिटी, इनकी मिक्सिंग एबिलिटी और भी बहुत कुछ. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो चेक आउट दी अदर रिव्यू वीडियोज दैट आई हैव पोस्टेड. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरा जो शेड है इसमें है 36 शेड्स और मोंटमार्टे की ये सेम वेराइटी आती है 12, 24, 36 और 48 शेड्स में. और इनका जो एक्रिलिक कलर है उसकी खासियत ये है कि ये सेमी मैट फिनिश देता है, इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी है और ये कवरेज काफ़ी अच्छा देता है. मतलब जो इसका पिगमेंट है वो ऑलरेडी इतना डाइल्यूटेड रहता है कि वो मतलब आपको उसमें ज़्यादा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और ये आप जो इसमें शेड्स देख रहे हो पीछे, इसके काफ़ी वाइब्रेंट शेड्स हैं. जैसा इस शेड का प्रिंट है इसके पैकेजिंग पे, उससे ही सिमिलर रिजल्ट्स आपको इसके स्वॉच में भी देखने को मिलेंगे. तो चलो अब देखते हैं इस पैकेट के अंदर क्या है और मतलब इसकी पैकेजिंग कैसी बिल्ड है. तो सबसे पहले आता है ये कि ये बॉक्स जो कि कार्डबोर्ड का है. और हाँ, ये सारे पेंट्स में 36 ml की ही क्वांटिटी है और 36 शेड्स हैं. तो ये मेरे पास दो प्लास्टिक ट्रे आती है जिसके अंदर कलर्स ऐसे अरेंज हुए हैं और मैंने इसको अपने हिसाब से शेड वाइज वापस ऐसे रीअरेंज किया है. और इसकी अगर प्राइसिंग हम देखें तो ये सेट मुझे पड़ा था ₹1590 का, जो कि अमेजोन पर ईजिली अवेलेबल है, मैंने वहीं से लिया था. Now let's have a closer look at how these tubes are built. तो ये ट्यूब काफ़ी सॉलिड मटेरियल से बने हैं, इसका लिड भी काफ़ी एक स्टर्डी प्लास्टिक का है. जब आप इसके लिड को निकालेंगे, जब आपका जो पैक फ्रेश रहेगा तब इनके ऊपर एक कवरिंग रहती है. आपको ये प्लास्टिक कवरिंग को निकालना पड़ेगा तभी आप इससे पिगमेंट को यूज़ कर पाएंगे. तो आप या तो इसे डायरेक्टली ट्यूब से ले सकते हैं या फिर जो प्लास्टिक का लिड है उसके अंदर भी एक होल है, आप उसके थ्रू भी इस पेंट को आप यूज़ कर सकते हैं. अब बस क्या आपको वापस लगाओ इसको, वापस जब आपने ओपन किया तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं. मुझे वैसे इस ट्यूब को ओपन करके लेना पसंद है क्योंकि इसमें क्वांटिटी कभी ज़्यादा आती है कभी नहीं आती है. तो बाकी आपके प्रेफरेंस के ऊपर है आप कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं. तो चलो अब हम देखते हैं इनके स्वॉचेस को और देखते हैं कि ये जैसा दिख रहे हैं वैसे ही परफॉर्म करते हैं या नहीं. अब मैं इनके स्वॉचेस उस तरीके से करूँगा कि आपको पता चले कि इसका पिगमेंट एक्चुअली में कैसा है, क्रीमी है या कैसा है, और फिर जब इसको आप ब्रश से स्प्रेड करेंगे तब वो कैसा दिखेगा. और मैं अभी सभी ट्यूब से बस एक छोटा सा डॉट लगा रहा हूँ शीट पर ताकि आप देख सकते हैं कि इसका एक्चुअल पिगमेंट कैसा है. अब मैं इसको ब्रश से स्प्रेड करके बताता हूँ कि ये पिगमेंट कितना क्रीमी है. तो आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी ओपेसिटी है. मतलब दीज पेंट्स आर सुपर क्रीमी, लाइक एज इट वॉज मैंशनड ऑन द पैकेजिंग कि ये काफ़ी क्रीमी टेक्सचर हैं. और जब ये ड्राई हो जाते हैं तभी आपको सेमी ग्लॉसी टेक्सचर देते हैं, जो कि थोड़ा मैट दिखता है और थोड़ा बोल सकते हैं कि ग्लॉसी. तो मैंने एक्रिलिक वॉश एक्चुअली यूज़ किया हुआ है और एक्चुअली एक्रिलिक वॉश के जैसा ही इसका फिनिश लगता है मुझे. सो दीज आर लाइक सुपर सूटेबल फॉर बिगिनर्स आई वुड से, बिकॉज दीज आर वेरी ईजी टू हैंडल. आप इसको ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं और इसका एक फास्टर ड्राइंग टाइम भी होता है ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप जल्दी से एक दूसरी लेयर लगा के उसको कवर कर सकें. तो अब हमारे सारे स्वॉच कंप्लीट हो चुके हैं और अब देख सकते हैं कि ये कितने प्रिटी लग रहे हैं सारे कलर्स, काफ़ी क्रीमी, काफ़ी ओपेक. और अब हम देखते हैं, अब हम उस टेस्ट पे आते हैं जब हम इनको टेस्ट करेंगे कि एक दूसरे से कितना अच्छा ब्लेंड होते हैं. उसके बाद मैं आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा कि ये आप अगर दो कलर को मिक्स करते हैं तो इनका टिंट और टोन कैसा बनता है. उसके बाद हम देखेंगे मेरे बनाए हुए कुछ आर्टवर्क जो मैंने इन्हीं कलर को यूज़ करके बनाए हैं. और ये कलर्स किसी भी सरफेस पर ऐसे ही काम करेंगे जैसे ये पेपर पर चल रहे हैं. मैं आपको मेरी कैनवास पेंटिंग्स भी बताऊंगा जो मैंने इन्हीं कलर्स को यूज़ करके बनाई हैं. और अगर आप चाहें तो ये कलर को आप वुड, क्ले, प्लास्टर, कार्डबोर्ड, सिरामिक या किसी भी ऐसी सरफेस पे आप यूज़ कर सकते हैं और इनका आउटपुट वैसा ही रहेगा जैसा आपको अभी दिख रहा है.
तो चलो अब देखते हैं कि ये कलर्स आपस में कितने अच्छे से ब्लेंड होते हैं। मैं अभी रेड, ऑरेंज और येलो का यूज़ करूँगा और आपको एक ग्रेडियंट बना के बताऊँगा कि ये कलर आपस में कितने स्मूथ और कितने बढ़िया तरीके से ब्लेंड होते हैं, और जो कि बिगिनर के लिए काफ़ी काफ़ी सही है। आपको इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं आने वाले। और ग्रेडियंट हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो कि कलर्स का कितना सीमलेस ट्रांजिशन आया है। कलर ने कहीं पे भी पैचेस नहीं छोड़े हैं और एक काफ़ी स्मूथ ग्रेडियंट हमको इससे मिला है, और कलर का फिनिश भी एक सेमी ग्लॉसी फिनिश आया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब हम देखते हैं कि दो कलर को अगर आप आपस में मिक्स करेंगे तो ये कितना अच्छा और कितना स्मूथ कलर फॉर्म करेंगे। अभी मैं मैजेंटा और ऑरेंज येलो को ले रहा हूँ। अब हम इन दोनों को मिक्स करके देखते हैं कि इनका मिक्सचर कैसा बनता है। तो आप देख सकते हो कि ये कलर कितने सीमलेसली आपस में भी ब्लेंड हो रहे हैं। अगर आपको अलग टिंट्स और टोन्स या अलग शेड्स आपको कुछ भी बनाना है, वाइट या ब्लैक या किसी भी कलर में मिक्स करके, तो ये कलर आपस में काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और बिल्कुल भी पैचेस हमें इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। और ये आप एक क्लोजअप लुक देखिए इसका कि ये कलर का टेक्सचर कैसा पेपर पर आता है। अब इस टेस्ट के बाद हम देखते हैं कि मैंने जो आर्टवर्क्स बनाए हैं उसमें इनका रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो चलो देखते हैं कुछ आर्टवर्क जो मैंने पेपर और कैनवास पर बनाए। तो अभी रिसेंटली मैंने ये दो इलस्ट्रेशन इस स्केचबुक में बनाए हैं जो कि एक टोन्ड ग्रे स्केचबुक है। इसमें ब्लैक कलर के अलावा सारे कलर्स इसी ब्रांड के हैं। और आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे चाय की केटल बनाई है, चाय का एक ग्लास बनाया है, सबका टेक्सचर, शेडो, हाईलाइट कितना अच्छे से पॉप आउट हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कलर्स कितने अच्छे से ग्लो मैं कर पा रहा हूँ। मतलब वाइट कलर भी अपनी जगह स्टैंड आउट हो रहा है। जो भी मैंने ग्रेडियंट्स बनाए हैं इसमें, टिंट्स और टोन्स बनाए, सब एक एक कर करके स्टैंड आउट हो रहे हैं और काफ़ी सीमलेसली मुझे ब्लेंड्स मिल पाए थे। तो मैंने इन कलर्स को काफ़ी इन्जॉय किया और ये किसी भी पेपर पर या किसी भी सरफेस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ आर्टवर्क जो मैंने कैनवास पर बनाए हैं। तो मैंने कुछ महीनों पहले एक मिनी कैनवास की सीरीज शुरू की थी इंस्टाग्राम पर। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल एक बार देखना। और ये देखो आप कितना रियलिस्टिक इसकी वाटर ड्रॉपलेट्स लग रही है, और कैनवास पर तो इसका इफेक्ट बहुत ही प्यारा आता है। और ये तीन पेंटिंग यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके कलर्स बिल्कुल वाइब्रेंट हैं। और इतने सारे शेड्स होने का आपके पास एक बेनिफिट रहता है कि आपको अगर एक वाइब्रेंट रेफरेंस आपने चूज़ किया है तो आपको आधे शेड्स तो प्रीमिक्स या मिक्स नहीं करने पड़ते, और अगर आपकी रेफरेंस कोई सी वाइब्रेंट है तो आप काफ़ी सारे कलर्स का उसमें यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। और क्योंकि एक्रेलिक्स बहुत जल्दी ड्राई होते हैं तो ज़्यादा शेड होने का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि आप फटाफट थोड़े थोड़े क्वान्टिटी में कलर्स को निकाल कर उनको जल्दी से यूज़ कर सकते हो। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप एक बिगिनर या इंटरमीडिएट हैं तो आप इन पेंट्स को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि इनका पिगमेंट कैसा है, ये कितने अच्छे से ब्लेंड होते हैं, और ये आपको काफ़ी आसानी से पेंटिंग बनाने में बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बाकी ये चॉइस आपके ऊपर है, ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको इसका 12 वाला शेड लेकर एक बार देखना है कि आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, या फिर आपको सीधे 24, 36 या फिर 48 वाले शेड पर स्विच होना है। मैंने ये 36 का इसलिए लिया क्योंकि 48 में कुछ कलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे और मुझे उन शेड्स की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि इसमें ग्रे कलर है, ये मुझे इतना काम में नहीं आ रहा है। तो 48 में कुछ शेड्स ऑल्सो, मतलब काफ़ी सारे एक्स्ट्रा थे शेड्स उसमें, इसलिए मैंने 36 वाला जो शेड है ये वाला लिया है। आप चाहें तो 12 वाला भी लेके एक बार यूज़ करके देख सकते हैं, नहीं तो आप 24 या 36 में भी काफ़ी अच्छे से इन पेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अगर आपको इसके अलावा और भी आर्ट सप्लाईज जो मैं यूज़ करता हूँ उसकी अगर आपको एक लिस्ट चाहिए तो वो भी आपको मेरे अमेज़न स्टोर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।